नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट क्या लगता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और साथ में हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे में यानी मंडे के लिए कौन से लेवल पे आपको ध्यान रखना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स गोल्ड एंड सिल्वर। आज वीकेंड है, सो हम ब्रेथ एनालिसिस चार्ट पे कुछ पैटर्न आरएस चार्ट यानी जो ऑल एसेट क्लास का ये सब पे भी बात करेंगे। साथ में हम आज कुछ एक यानी ऑप्शन के भी चार्ट पे देखेंगे, बिकॉज कल परसों के कमेंट था कि आखिर सर कुछ आप अगर निफ्टी बैंक निफ्टी पे कुछ ऑप्शन यानी कैसे देखना है वो बताने के लिए, तो उसपे हम ट्राई करेंगे कि कुछ अगर स्ट्रेटजी हो सके तो उसपे भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ जो स्टॉक जो सेक्टर के स्टॉक जो मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं तो उसपे आपको नजर रखना चाहिए, तो ये सब पे हम बात करने वाले थोड़ा डिटेल में। हो सकता है कि वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाए। जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज निफ्टी से। सो फ्राइडे को निफ्टी 65 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 121 पॉइंट नेगेटिव क्लोज दिया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस एक पॉजिटिव क्लोज था लास्ट एट डेज से। सो आज मतलब यानी फ्राइडे को ये पहुंच दिया, तो क्या ये रिवर्सल हम बोलेंगे, यहां से रिवर्स हो रहा है। देखिए ये बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हम ट्राई करेंगे चार्ट के पीछे। तो अब चार्ट सबसे पहले हम चार्ट कौन सा ओपन कर रहे हैं, यहां पे जो चार्ट ओपन कर रहे हैं पहले ईओडी चार्ट, क्या कुछ चेंजेज हुआ है। देखिए ये ईओडी चार्ट है, हमने क्या बोला था कि कॉलम रिवर्सल वैल्यू क्या है। सो कॉलम रिवर्सल वैल्यू है 23,480 और इसने क्लोज क्या दिया 501। So, अभी भी 20.21 पॉइंट जो है ऊपर में क्लोज है, इसलिए आपका कॉलम ऑफ एक्स कॉलम ऑफ वो में टर्न नहीं हुआ, लेकिन बहुत नजदीक आ गया था। अब जनरली जब हम बात करते हैं कि जब भी अगर एग्जॉशन जोन में रहता है यानी काफी ओवरबॉट जोन जिसको हम बोलते हैं निफ्टी ओवरबॉट जोन में लास्ट 7-8 डेज से जरूर है, और उस समय ही हम बात किए थे कि पॉसिबल प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन हो सकता है। सो ये टाइम करेक्शन जो है जो आपको अभी दिख रहा है जो कि हम ब्रेक के चार्ट पे भी हम दिखाएंगे। अब यहां पे अगर कोई कॉलम ऑफ वो में टर्न होगा यानी अगर मंडे को अगर कॉलम ऑफ वो यहां पे क्लोज होता है और उसके बाद अगर डबल टॉप बाई देता है तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहां जो पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है ये एक बुलिश ब्रॉडनिंग है, 100% पुल है, उसके बाद ये फॉलो थ्रू है। सो फॉलो थ्रू हो जाएगा। सो ये एक इंटरेस्टिंग देखना रहेगा कि अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या एक बिकॉज अच्छा खासा अपसाइड का जो काउंट है ये एक ओपन हो जाएगा, तो वो जब काउंट ओपन होगा तो हम जरूर आपको बात करें। बट ओवरऑल अभी चार्ट सेटअप क्या है, तो चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब निफ्टी बैंक का एक बार हम देख लेते हैं कि चार्ट सेटअप क्या चेंज हुआ है। तो यहां पे 0.15% का बॉक्स वैल्यू पे इसका कॉलम रिवर्सल जो वैल्यू है शेयर वैल्यू 51,470 और इसने 51,680 यानी अब 200 पॉइंट ऊपर में ही, तो अभी कॉलम रिवर्सल नहीं हुआ, लेकिन कॉलम रिवर्सल अगर यहां पे भी हो जाता है ना तो आपका एक थोड़ा आप बोल सकते हो कि एक 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 आपको बाइंग जो है नहीं फ्रेश बाइंग के लिए एक रूम दे देगा। अदरवाइज यहां पे थोड़ा रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा फॉर पोजिशनल बाइंग। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप क्या है, अभी भी बुलिश है, इसमें कोई इफ्ट नहीं है। अब निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। देखिए एक चीज है, ये डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ये एक अच्छा खासा मूव दिया है। डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ये मूव थोड़ा विप्सा फिर से मूव, ये विप्सा फेज है। अब यहां पे एक पैटर्न अगर हम डी स्मार्ट लाइन क्या है, अभी बेरिश है इसमें दिख रहा है, तो अब हम क्या करें यहां पे हम थोड़ा सा डी स्मार्ट लाइन रिमूव करें। क्यों रिमूव करें, थोड़ा सा क्लैरिटी आपको चार्ट पे दिखे। ये देखिए ये चार्ट का अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है,
तो यहां पे ये जो दिख रहा है आपको निफ्टी का, ये एक रेंज है। और दूसरा अगर हम देखें तो सॉर्ट ऑफ यानी ये एक इस रेंज के बाहर, तो हाई को हम पकड़ते हैं और लो को, इसने प्राइस ब्रेकआउट दिया। अब ये जो था ये आपका बुलिश एबीसी फॉर्मेशन, कल आपको याद है कल जब हमने क्या बात किया था, कल मतलब थर्सडे को यस, तो थर्सडे को कि ये भी था और हमने इस कॉलम से भी प्लॉट किया था। तो अब ये काउंट जो अपसाइड का है वो क्या हो गया, इनवैलिडेट हो गया। क्यों? बिकॉज प्राइस इसके नीचे आ गया। लेकिन क्या ये काउंट इनवैलिडेट है? नहीं हुआ है, और ये काउंट अभी भी वैलिड है। साथ ही साथ एक और काउंट जो कि दिख रहा है मुझे 23,250 और 23,000 जो कि क्लस्टर ऑफ काउंट है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये काउंट एस्टैब्लिश है, ये काउंट एक्टिवेट है। अब अगर ये क्लस्टर काउंट दिखा रहा है तो प्रोबेबिलिटी जो मुझे जो है ना, जब भी अगर हम क्लस्टर काउंट देखते हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस के बेस पे हम बोल रहे हैं कि ये चांसेस जो आता है कि अपसाइड होने का, यानी ज्यादा चांसेस। अब जैसे निफ्टी का है, आप निफ्टी का आपको याद है कि जब हमने बात किया था कि ये देखो 646 का ये जो काउंट था, ये सॉर्ट ऑफ क्लस्टर काउंट था यहां पे, और ये काउंट क्या हुआ, अचीव फर्स्ट काउंट। सो 23,250 ये क्लस्टर काउंट जो फर्स्ट जो दिख रहा है, चांसेस तो है इसमें टेक्निकली अगर जाए तो, बिकॉज ये ब्रेकआउट। अब अगर फ्रेश ब्रेकआउट यानी 23,400 के नीचे अगर मंडे को अगर मिलता है फ्यूचर, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां आप देख सकते हो, बिकॉज बाई सेल बाई ब्रीज देयर इज ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू भी हो जाएगा और रेंज ब्रेकआउट भी हो जाएगा, बी स्मार्ट लाइन के नीचे भी है, तो तीनों आपका क्लस्टर ऑफ काउंट भी है, तो ये सब आपका मैच हो रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल क्या रहेगा, तो देखिए अब अगर पैटर्न अगर आपको अगर आप जाते हो ना, तो 23,700 ये एक पैटर्न, लेकिन ये पैटर्न जो फेल होगा 23,600 के ऊपर ये पैटर्न फेल हो जाएगा, ठीक है। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, और यहां पे हम निफ्टी यानी बैंक निफ्टी का, सो यहां बॉक्स साइज जो हम देंगे 0.08, 1 मिनट टाइम फ्रेम एड स्टडी, और यहां पे डीए स्मार्ट लाइन जो रेगुलर सेटअप है अपना, डीए स्मार्ट लाइन के नीचे नहीं है। डीए स्मार्ट लाइन के नीचे का लेवल क्या है, सो 51,200 के नीचे अगर ये आता है तो आपका क्या होगा, 51,200 के नीचे आपका डीए स्मार्ट का ये चेंज हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 51,200 के नीचे जाएगा तभी जाके आपका एक्टिवेट, और ये काउंट फिर होगा 50,900 और 50,500 ये एक्टिवेट होगा। तो ये आपका इंट्राडे का रहा। अब फटाफट इंट्राडे लेवल की बात कर लेते हैं कि मंडे को किस लेवल पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए बुलिश अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिख रहा है कि 23,700 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 23,400 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी, अगर सस्टेन 23,400 के नीचे मतलब आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, पॉसिबल 23,250 ये जो क्लस्टर काउंट जो दिख रहा है ये अचीव होने के चांसेस हो सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी का जो लेवल है 51,850 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 51,300 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। निफ्टी का क्या सेटअप बेरिश हुआ है? यस बेरिश हो गया, प्रीवियस टू एंकर के नीचे में हुआ है तो बेरिश जो दिख रहा है मुझे। उसके बाद फिन निफ्टी का देखते हैं, फिन निफ्टी का जो लेवल है 23,100 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,800 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। सेंसेक्स के लेवल की बात करते हैं, सेंसेक्स 75x7 यानी 77,777 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 76,777 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। गोल्ड एक अच्छा खासा मूव लिया है, और देखिए ये जो आपका अगर हम बात करें तो ये ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू अगर आता है, एक ही हम काउंट प्लॉट किए, सो 73,300 ये सब पॉसिबल, लेकिन बुलिश अपॉर्चुनिटी यानी 72,888 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 72,000 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी।
अब सिल्वर की बात करते हैं और सिल्वर का जो लेवल है यस डी स्मार्ट लाइन के नीचे में तो हो रहा है, लेकिन अगर 91,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 90,650 के नीचे बेयरिश अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल और निफ्टी बैंक निफ्टी ये सब का आपका लेवल। अब देख लेते हैं ऑल एसेट क्लास और ब्रेथ, उसके बाद फिर से हम आएंगे जहां पे हम ऑप्शन। तो देखिए ये जो दिख रहा है आपका ये फ्राइडे का डाटा है, लेकिन ये यानी एवरेज क्लोज नहीं हुआ इसलिए आपका ऑल एसेट क्लास ऐसा दिख रहा है, बट एवरेज के ऊपर में तो कॉलम रिवर्स नहीं हुआ है। तो सी अभी भी डी स्मार्ट लाइन के नीचे में है, लेकिन यहां एक चीज जो मुझे दिख रहा है कि गोल्ड और निफ्टी यानी गोल्ड जीएस कंपोजिट और यूएसडी आईएनआर, तो ये तीन दोनों जो है कॉलम ऑफ एक्स में आया है, तो आउट परफॉर्म फ्राइडे को तो किया है। यूएसडी आईएनआर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन तो ये जब भी अगर आउट परफॉर्मेंस अगर स्टार्ट कर देता है इवन शॉर्ट टर्म में तो दैट विल बी अ बैड साइन फॉर द इक्विटी, लेकिन आप बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म के लिए हेल्दी हो सकता है कि करेक्शन जो अगर निफ्टी में करेक्शन आएगा तो इसको आप ये ऐसे ट्रीट मत कीजिए कि आके अब यहां से डाउनसाइड स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ओवरऑल जो ट्रेंड है अभी भी मुझे बुलिश है, लेकिन ये छोटा करेक्शन हो सकता है और छोटा करेक्शन में जनरली जो है जो आपका हेल्दी करेक्शन होता है, और जब भी अगर ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में जाएगा तो उसके पहले हम ब्रेथ में आ जाते हैं कि क्या ब्रेथ इंडिकेट कर रहा है। तो ब्रेथ में गए और ब्रेथ चार्ट, और यहां पे हमने निफ्टी 50 सिलेक्ट किया और स्कैन करते हैं तो समझ आएगा कि है कि निफ्टी का ब्रेथ कूल ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यस, सो ये 66 अभी ब्रेथ जो है कूल ऑफ तो हो गया यानी न्यूट्रल जोन में आ गया। जो पहले आप देखिए ये क्या था 100, निफ्टी क्या रहा जहां से 100 स्टार्ट हुआ, ये लेवल क्या था 23,000 ऑलमोस्ट 300 का, आज के जो लेवल यानी लेवल क्या है 23,400। सो क्या है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के करीब में है, 100 से ब्रेथ क्या आ गया 60। सो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो इंडेक्स है कुछ पर्टिकुलर स्टॉक जो 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 चार पांच जो स्टॉक है हेवी वेट वो पकड़ के बैठे हुए हैं अभी भी ऊपर में, और मल्टीपल यानी निफ्टी 50 के बाकी स्टॉक में करेक्शन आया, समझ गए। अब ये जो अगर ये करेक्शन यानी अगर ये कंटिन्यू बिकॉज बेयरिश क्रॉसओवर हुआ उसके बाद ये अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू अगर रहता है और फिर अगर एक्सट्रीम जोन में जाता है यानी एक्सट्रीम जोन मतलब 25 के नीचे ब्रेक, तो आपके लिए वहां पे फ्रेश से लिवाइड और अब अपॉर्चुनिटी जहां पे बुलिश के लिए आप देख सकते हो कोई पुल बैक पैटर्न या कुछ अगर ऐसा होगा तो फिर देखा जाएगा, और ऐसे आएगा तो हम उस समय फिर आपको इंडिकेट करेंगे, एटलीस्ट क्रॉसओवर तो होने दो उसके बाद क्यों जल्दबाजी। लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि मुझे अभी कंफर्ट जोन दे दिया कि अगर करेक्शन अगर ये कॉलम रिवर्स नहीं हो जाता ना फ्राइडे को तो थोड़ा कंफर्ट जोन और बढ़ जाता बिकॉज न्यूट्रल जोन में और उसके बाद ब्रेकआउट होता। बट एनीवे अब यहां से अगर रेंज भी ब्रेकआउट अगर आता है तो ये कंफर्टेबल जोन में है, कोई डरने की बात नहीं है। और बैंक इंडेक्स का अगर हम एक बार देख लेते हैं कि क्या बैंक इंडेक्स का कुछ चेंज हुआ है कि वही है, देखिए आज भी बैंक इंडेक्स 100 पे ही है। सो यहां पे मुझे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी एक क्या जब तक ये एक्सट्रीम जोन में है कूल ऑफ तो होना होगा, अगर ब्रेकआउट अगर कंटिन्यू चाहिए तो इसको कूल ऑफ होना पड़ेगा। ओके, तो ये ब्रेथ का रहा। अब आते हैं कि निफ्टी का, तो देखिए कल अब एक चीज समझिए, ये जो चार्ट जो है हम निफ्टी का ओपन करते हैं निफ्टी फ्यूचर का, और किसी ने पूछा था कि ऑप्शन चार्ट हम कैसे ये करते हैं, तो एक चीज अभी लेवल क्या है 23,470, तो लेट से कि 23,400 या 500 का कोई भी एटीएम आपको समझ में आया कि निफ्टी क्या है बेरिश दिख रहा है कि पॉसिबल। अब हम 23,500 का पुट हम प्लॉट करेंगे तो बॉक्स साइज क्या रहेगा, जैसे 23,400 चलो 23,400 का हम 1% नहीं 3% चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम,
ये जो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन दिख रहा है, मतलब क्या है कि कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ फोर ज्यादा प्लॉट हुआ है और ये बेरिश ट्रेंड लाइन के नीचे में ट्रेड हो रहा है। मतलब ओवरऑल इस चार्ट का पर्टिकुलर, ये कौन सा चार्ट है आप भूल जाओ, पुट है कि कॉल है कुछ नहीं, ये चीज समझो कि ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा ओ प्लॉट हुआ है, एक्स कम प्लॉट हुआ है। तो एक्स का मतलब बायर्स का इंटरेस्ट है, ओ का मतलब सेलर का इंटरेस्ट है, सिंपल। अब अगर ये जैसे अगर बेरिस, ये जो बेरिस लाइन जो दिख रहा है रेड लाइन, इसके ऊपर अगर जाता है प्राइस, इसका मतलब क्या है कि अब एक्स का डोमिनेंस ज्यादा हो गया, ठीक है। अब एक्स का जब डोमिनेंस अगर ज्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया कि बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। तो यहां पे अब अगर पैटर्न यानी 176 के ऊपर अगर जाता है तो ये मुझे जो दिख रहा है ये इस कॉलम से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो, सॉरी, सो 266 और 415 ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा, अभी एस्टैब्लिश्ड काउंट है। 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर भी बुलिश ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन है, आपका एंकर फॉलो थ्रू भी हो जाएगा 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर में भी हो जाएगा, प्लस साथ में ये बेस बनाए हैं और इससे ये एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज निफ्टी अगर यहां से सेल ऑफ यानी 23,400 के नीचे अगर उधर अगर जाता है तो पॉसिबल है कि यहाँ की एक इसमें आपको, तो ये नजर रखना चाहिए क्योंकि आप 4 जुलाई का किए हैं, 4 जुलाई का इसलिए कि अभी अगले वीक में ही आपका एक्सपायरी है, तो अगर आपको चाहिए कि यहाँ की चलो नहीं इस वीक का ही बताओ कि 23,500 आप प्लॉट कर लो और 23,500 का पुट में 3% के चार्ट में क्या है। तो देखिए यहां पे अगर हम प्लॉट करते हैं तो यस ये भी अभी भी 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ऊपर में नहीं गया है, तो ये 187 190 के ऊपर अगर जाता है तो एक अच्छा खासा मूव आपको दिख सकता है। और ये जो काउंट है इस कॉलम से आप प्लॉट भी कर सकते हो, सॉरी, सो 369 और इवन 750 का काउंट ओपन है, सो ये इस पे आपको नजर रखना चाहिए। अब मुझे चाहिए कि नहीं भैया हम मुझे थोड़ा रिस्क उतना नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, स्प्रेड बना देंगे, करेक्ट। सो आप जैसे ऑप्शन में आएंगे बिल्डर में जाके और कोई स्प्रेड आप बना दो, जैसे आपको बेरिस आपको व्यू चाहिए तो बेरिस और बेयर पुट स्प्रेड, सो जैसे यहाँ पे 23,450 का है पुट आपका क्या है बाई है और 23,300 का, तो हम इसको आप चेंज भी कर सकते हो जो भी आपको करना है, और इसको बाई अगर आप ये करते हो तो इस तरह से इसमें दिख रहा है कि 1:1.73 रिस्क आपका है 1300 का और रिवार्ड है 2300 का, 43-44% का प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से ये स्ट्रेटजी भी आप बना सकते हो कि हमको बहुत बड़ा रिस्क अगर नहीं लेना है तो ये, लेकिन इसमें लिमिटेड है। अब आप अगर तो या अगर आपको नेकेड अगर रन लेना है तो पुट आप नेकेड का चार्ट ओपन कर सकते हो। अब सेम स्ट्रेटजी सेम ऐसे चार्ट आप स्टॉक ऑप्शन पे भी कर सकते हो, स्टॉक ऑप्शन के लिए 3% 1 मिनट सेम बॉक्स साइज ऐसे ही प्लॉट करना है आपको, कोई पैटर्न आप जो भी आप पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर उस पैटर्न के बेस में आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अनदर थिंग आउट परफॉर्मर स्टॉक, आउट परफॉर्मर स्टॉक्स का अगर आपको आइडेंटिफाई होगा एफएमए स्टॉक में है तो उसका आप ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करना है तो आप कैसे प्लॉट कीजिए और उसमें देखिए कि क्या प्राइस पैटर्न पे ब्रेकआउट हुआ है, अगर प्राइस पैटर्न पे ब्रेकआउट हो रहा है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। या आप उसमें डी स्मार्ट लाइन प्लॉट कर लो, जैसे यहाँ पे अगर हम डी स्मार्ट अगर हम प्लॉट कर देते हैं, ये देखो ये डी स्मार्ट लाइन का मूविंग एवरेज हम हटा देते हैं ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए डी स्मार्ट लाइन कंटिन्यूअस ये डाउन साइड आ रहा था, ये अपसाइड जाने के तैयार नहीं था, अब ये अपसाइड के लिए ये रेडी हुआ है। अभी ये फिर से अगर 217 यानी इसके ऊपर अगर जाता है तो इंटरेस्टिंग होगा। तो इस तरह से कोई एक स्ट्रेटजी कोई एक मेथड आप खुद का बनाइए, थोड़ा बहुत जो भी आपको ट्विक करना करके और उसको इंप्लीमेंट कीजिए और आप तब समझ पाइए कि हाँ कि क्या मुझे कौन सा कैसा ट्विक करना है। ऐसे क्या होता है हम ऐसा बोलते हैं कि जब तक आप यानी अगर आपको तैरना सीखना है तो स्विमिंग पूल में कूदना पड़ता है, करेक्ट। जब तक आप बाहर से जो है ना आप नहीं ये हो तो थोड़ा अगर आपको अपना स्ट्रेटजी बन गया तो पहले आप स्ट्रेटजी पे थोड़ा काम कर लीजिए उसके बाद वाटर टेस्ट कीजिए, करेक्ट, कि क्या
स्ट्रेटजी में कैसे, बिकॉज जब आप लाइव में तब जाके ट्वीक होता है सिस्टम आपका, बाहर से ट्वीक नहीं होता है। बिकॉज बहुत सारे उसमें जब इंप्लीमेंट करोगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे वो सब डिफिकल्टी जाती है, समझ गए? तो वो डिफिकल्टी उसमें ट्विक करके आपको ठीक करना होता है। बेस तो आपका कुछ चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आखिर आपने जो स्ट्रेटजी बनाया तो पूरा का पूरा बेस ही चेंज हो गया, नहीं, इसका मतलब क्या, फिर आपको स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है। कुछ पोजिशन साइजिंग में उसमें ट्विक करना, कुछ टाइमिंग में, बेस अपना वही रहेगा बाकी सब में। तो इसलिए इस पे थोड़ा आपको खुद काम करना पड़ता है, खुद काम कीजिए, अपने हिसाब से आपको जो सुटेबल है वो स्ट्रेटजी आप बनाइए। तो ये इसके अलावा जो दो तीन स्टॉक जो हम बोल रहे, जैसे रेलवे की जो स्टॉक है, अभी अगर हम बात करें RVNL, ये जो चार्ट सॉरी मुझे इंटरेस्टिंग क्यों दिख रहा है ये रेलवे के कुछ चार्ट, अभी देखिए यहां पे क्लियर अप ट्रेंड में, अब 3% का चार्ट देखो कहीं से भी कुछ तो रेलवे, ऐसे भी कितनी बार हमने मार्केट क्या लगता है में इस वीडियो में कवर किया है, रेलवे हुआ, शिप हुआ, डिफेंस हुआ, PACCB, बहुत सारे यानी ये कवर किए। अब रेलवे यानी आपका 3% के चार्ट पे ब्रेकआउट है, 1% के चार्ट पे ऑलरेडी ब्रेकआउट, 5-5% के चार्ट पे भी ब्रेकआउट हुआ है, तो क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? देखिए ये चार्ट के हिसाब से तो दिख रहा है कि आगे पॉसिबिलिटी है कि इसमें मूवमेंट तो आना चाहिए, जो कि 600 तक पॉसिबल है। अब ये भी काउंट अगर हम प्लॉट करें तो शायद 560 और 600 ये जो दिख रहा है तो जरूर हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो RVNL जिस पे आपको नजर रखना है, कहां पे एंट्री कैसे आपको आप डिसाइड करो। और JWL जो कि मुझे इसका भी चार्ट सेटअप इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्लियर अप ट्रेंड, बाय सेल, बाय ब्लिस ब्रॉडनिंग, उसके बाद फॉलो थ्रू, और अगर फॉलो थ्रू अगर आता है यानी 701 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। अनदर एक और जो मुझे जो दिख रहा है टेक्स रेल और इरकॉन, टेक्स रेल हम देख लेते हैं चार्ट एक बार क्या है। सो टेक्स रेल का भी चार्ट आप देखिए, ये क्लियर यहाँ पे जरूर ब्रेकआउट हुआ है, अब ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू अगर आता है तो जिस पे आपको नजर रहे 263-327, तो इस तरह रेलवे स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो जो हमने जो ये स्टॉक बताया। इरकॉन भी इसका चार्ट सेटअप क्या है इरकॉन का देखते हैं। Yes, तो अभी इरकॉन आप देखो, तो इरकॉन की बात करें और वन ये बाकी सब का, तो मुझे कहां पे ये तीनों में थोड़ा ज्यादा दिख रहा है जल्दी, ये इरकॉन में ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर इंटरेस्टिंग होगा। तो इस तरह से आपको अपना यानी स्टॉक जो हम डिस्कस करते हैं उसका आप समझिए बेसिस क्या है, पैटर्न क्या है, क्या हम देख रहे हैं, हम डिटेल में आपको बताते भी हैं और उसको आप इंप्लीमेंट करके आप अपना खुद सेलेक्ट कर सकते हो स्टॉक, बाकी स्कैनर आप यूज करके सेलेक्ट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अगर इस तरह के और डिटेल और हम लोग बात करेंगे लाइव मार्केट में मंडे से लेकर यानी कमिंग मंडे, सो कमिंग मंडे टू लेकर फ्राइडे तक 9 बजे से लेकर और 4 बजे तक बीच में लंच ब्रेक होगा 1 आवर का। सो हम लोग लाइव कैसे लाइव चार्ट में यानी कैसे इंप्लीमेंट आप कर रहे हो निफ्टी का स्ट्रेटजी हुआ, बैंक निफ्टी, ऑप्शन स्ट्रेटजी, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, उसके बाद आप अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए, ये सब पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपने होप आपने रजिस्टर ऑलरेडी कर लिया होगा, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज जाकर रजिस्टर कीजिए, बिकॉज मंडे से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद तो मंडे को ऐसा अगर आप बोलेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन से तो नहीं है ये होगा, तो इसलिए आप जाके जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कीजिए। और अगर आप डिफाइंड एज के डीमैट होल्डर है यानी डिफाइंड एज में अगर आपका अकाउंट है तो आपको ऑलरेडी यानी डिस्काउंट मिल रहा है जो कि 30% का, और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डिटेल आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर कुछ आपको डाउट्स अगर है कुछ भी इससे रिलेटेड तो आप जरूर कस्टमर सपोर्ट को आप फोन करके
पूछ सकते हैं। सॉरी वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए आज हम कमेंट नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम मंडे को और कमेंट लेंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।